हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आवर्धन क्या होता है या फिर रेखीय आवर्धन क्या होता है। मैग्निफिकेशन क्लास 10th का साइंस का मेन टॉपिक है और ये जो है हर बार पूछा जाता है, इसको समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है दर्पण द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये मान लिया हमारा क्या है, एक दर्पण है। ठीक है, अभी हमारा ये दर्पण नहीं है। दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो इसके हमने एक तरफ को पॉलिश कर दिया तो ये हमारा बन गया कौन सा दर्पण, अवतल, है ना। ये हमारा अवतल दर्पण बन गया, उसके उभरे हुए भाग को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो ये धसा हुआ भाग हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तक बन जाएगा। प्रकाश की किरणें इसी से टकरा कर क्या हो जाएंगी, वापस लौट जाएंगी। और ये हमारा बन गया वक्रता केंद्र और ये हमारा पोल, वो पोल मतलब ध्रुव, है ना। ये वक्रता केंद्र और ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव। और ये हमारा मुख्य पृष्ठ है जिस पर प्रकाश की किरणें क्या होंगी, आपतित होंगी। तो यहाँ से अब क्या हुआ है, कहा गया है कि वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम इसको देखिए आवर्धन को डिफाइन करते हैं एम से। एम इज इक्वल टू आई अपान का क्या होता है, ओ होता है, जहाँ पर आई हमारा क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। और यहाँ पर आई जो है प्रतिबिंब की लंबाई को दिखाते हैं किससे, वी से। किससे दिखाते हैं हम लोग इसको, वी से। और जो वस्तु की लंबाई है इसको दिखाते हैं किससे, यू से। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा रेखीय आवर्धन का। मान लो कि यहाँ पर हमारा कोई एक वस्तु रखा है ए बी, मान लो ये हमारा क्या है, एक वस्तु है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ठीक है, या फिर ऊंचाई कह ले, या फिर वस्तु की ऊंचाई कह ले, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है पोल से और वस्तु के बीच की लंबाई हमारी कितनी है, वो यू है। और इसका प्रतिबिंब मान लो कि यहाँ पर कहीं बनना है, उल्टा बनना है या सीधा बनना है ये बताया नहीं गया है। तो ये मान लो हमारा एक प्रतिबिंब बन रहा है, वो तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, वो v हो जाएगी। ठीक है, ये v हमारी क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। और यू ए से बी की यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो क्या है हमारी, वस्तु की। यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पोल मतलब ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच में, वक्ता केंद्र के बीच में। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन हो जाएगा। इसके बाद हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, ये हमारा धसा हुआ पृष्ठ क्या है, परावर्तक है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल, ठीक है, दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसके धसे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं, इसके किस धसे हुए भाग पर क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है एक उत्तल दर्पण। ये हमारा एक उत्तल दर्पण बन जाता है, ठीक है। तो दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। अब हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, समझे, हम पिछले क्लास में बता ही दिया था। अब हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम स्टूडेंट समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में परावर्तन के माध्यम में समझ लिया था परावर्तन क्या होता है, एक बार दोबारा उसको रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग भी समझ जाए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो वो प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। लेकिन अपवर्तन का जो नियम है वो दूसरी टाइप का है, इसमें माध्यम क्या है, दो, उसमें माध्यम केवल एक ही था, ठीक है, क्योंकि टकरा के उसी माध्यम में लौट गई। अब इसमें माध्यम क्या हो गए, दो, एक हमारा विरल माध्यम है, एक हमारा कौन सा है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती हैं, एक माध्यम ये हो गया और एक ये दूसरा माध्यम, ये मान लो हमारा क्या है, कांच है, और दूसरा जो माध्यम था वो हमारा क्या था, वायु था, ये हमारा निर्वात था, या निर्वात को ही वायु का माध्यम बोलते हैं, और ये हमारा क्या था, कांच, एक दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं,
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। मार्ग से विचलित होना मतलब कि उनकी जो गति होती है या तो तेज हो जाती है या तो धीमी हो जाती है। तेज कब होगी? जब माध्यम विरल होगा, मतलब कि घना नहीं होगा। जाहिर सी बात है, हमारी जब भीड़ लगी होती है तो हम लोग क्या धीरे धीरे चलते हैं, और भीड़ साफ़ हो जाती है तो हम लोग क्या तेज़ी से भागते हैं ना। उसी तरह से जो प्रकाश होता है वो भी आगे की ओर गमन करता है। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक विरल माध्यम है और ये हमारा एक सघन माध्यम। ये प्रकाश की किरणें आपतित हुई या फिर प्रकाश किरणें एक माध्यम में थी और वो तुम्हारे दूसरे माध्यम में जा रही, मतलब कांच में हमारा दूसरा माध्यम हो गया उसमें जा रही, तो ये हमारा अभिलंब है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब से क्या हो रही, पास आ रही है, अभिलंब के पास आ रही, तो ये हमारा क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा सघन है। मान लो ये हमारा विरल होता तो ये जो किरणें थी वो अभिलंब से दूर हटती, ये जो किरणें थी अभिलंब से ऐसे निकलती ऐसे, ठीक है। लेकिन ये कब, जब ये विरल हो जाता और ऊपर वाला क्या हो जाता, सघन हो जाता, ठीक है। तो ये हमारी आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में अपवर्तन कोण बनता है, ठीक है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण दो हमारे कोण बनते हैं। यहाँ से हमारा स्नेल का नियम था, साइन आई अपान साइन आर इजकल टू क्या था, एन था, जहाँ पर एन हमारा क्या है, अपवर्तनांक है। एन क्या है, अपवर्तनांक। आई हमारा आपतन कोण है, नहीं ये हमारा आपतित किरण से आपतन कोण, और ये हमारा अपवर्तन कोण है ना। दो हमारे साइन आई अपान साइन आर जो होगा वो एन के बराबर होगा, और इसे ही हम लोग क्या कहते थे, स्नेल का नियम कहा गया है ना। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और स्नेल का नियम इसी के द्वारा निकाला गया है। और विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें तेज गति से चलती हैं, जबकि सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें धीमी गति से चलती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।